दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं अपने ब्लॉग में। तो आज हमारा काम है भाई पंप रूम में। ये हमारा पंप रूम, ये फायर फाइटिंग का है और ये इस तरफ जो आता है भाई वो वाला पंप जो है वो लैंडस्केप का है। और ये है जो रॉ वाटर का, और ये जो पंप है ये है स्वीट वाटर का। और ये जो लगे हुए हैं ब्लू कलर के, ये है इंस्पेक्शन टैंक और ये भी है इंस्पेक्शन टैंक वाइट कलर का। तो अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि जो हमारा सामान खराब हुआ था, नॉन रिटर्न वाल्व खराब हो गया था। हमारा नॉन रिटर्न वाल्व जो है 6 इंच का, ये ख़राब हो चुका था। तकरीबन ये लगा हुआ था भाई 2016 में, इलेक्ट्रिक पंप का है ये पूरा पूरा सिस्टम है भाई। फायर फाइटिंग का सिस्टम है ये, सामने आप लोग देख सकते हैं। ये है भाई डीजल इंजन, ये है जोकी और ये है इलेक्ट्रिक इंजन। तो इसी का भाई ये ख़राब हो गया था। ये पाइपलाइन जो गई हुई है, ये गई हुई है सीधा डायरेक्ट, ये गई हुई है भाई वाटर टैंक को। और हमने ये वाल्व बंद कर दिया है सबसे पहले सप्लाई और रिटर्न का, तभी हम लोग नो रिटर्न वाल्व इसको वाटर टैंक से निकाले हैं, खोले हैं और जाएंगे अभी दूसरा नया इंस्टॉल करना है। तो अभी हम बाहर निकलेंगे पंप रूम से। ये हमारे शहनवाज चेंज कर रहे हैं, जो भाई पाइप आया हुआ है ये आप लोग देख सकते हैं, ये पंप रूम के अंदर से आया हुआ है और ये बिल्कुल यहीं से गया हुआ है डायरेक्ट वाटर टैंक को नीचे का। और ये हमारे लोग चेंज कर रहे हैं, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को राजा नासी रहा आए कर रहे हैं। तो भाई इसी को इंस्टॉल किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। तो बहुत ही मुश्किल काम था ये, क्योंकि खलजान यहाँ से चालू होता है और वहाँ पर जाके ख़त्म होता है ये यहाँ पर। और पानी यहाँ पर भाई 11 टैंकर पानी भरा हुआ था और इसको निकालने में बहुत भाई प्रॉब्लम हुआ था। नाइट में और डे में 2 दिन इसको निकालना पड़ा है, तभी ये भाई वाटर टैंक का पानी खाली हुआ है। बदल दिया है। तो बदलने में भाई इसको बहुत दिक्कतें आई हैं, बहुत ही परेशानियां, क्योंकि स्पेस है नहीं इसमें। और हमारे जो साथी लोग थे वो ये इस वाले मैनहोल से नीचे गए हैं अंदर, और जाने के बाद में यहाँ से बिल्कुल नीचे 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 यहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर पाइपलाइन है। तो वाटर टैंक के नीचे भाई बहुत ही गर्मी है, टेम्परेचर यहाँ का भी आज का 42 है। इस समय गर्मी बढ़ चुकी है। ये सीढ़ी लगी हुई है हम लोगों की और यहीं से देख सकते हैं आप लोग पूरा का पूरा भाई पानी खाली है, बिल्कुल जरा सा ज़मीन में लगा हुआ है बस। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये नो रिटर्न वाल्व सक्सेस होगा लगाने में, और जब लग जाएगा तो हम इसमें पानी भरेंगे, चेक करेंगे कि पानी रुक रहा है या नहीं रुक रहा है। अगर नहीं रुकेगा तो समझ जाइए ख़राब है, अगर रुक गया तो सही है। ओ भाई ये लोग तो भाई ताबान हो चुके हैं ये सो रहे हैं हमारे शहनवाज उर्फ बंटी, और ये हमारे रौली, ये फिलीपींस से हैं, कारपेंटर हैं, पेंटर हैं। और हमारे पास ये एक जो पंप है भाई, ये मोटर ये स्पेयर में रखा गया है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर ख़राब हो गया है या यहाँ पर ख़राब हो गया है रॉ वाटर पंप का या लैंडस्केप का, तो तुरंत हम लोग इसको इंस्टॉल कर दें, कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये यहाँ पर एक नया हम लोग खोले थे इसको और उसको नया रिपेयर हो गया है, रिपेयरिंग हो गई है इसकी। तो उम्मीद करता हूँ कि जैसे ही पानी भर जाएगा वाटर टैंक में तो इसको चेक करेंगे कि सही है या गलत है। और ये जो इलेक्ट्रिक पंप है इसका भाई ये ख़राब था बहुत दिन से, तकरीबन 2-3 महीने से, लेकिन हमारा सिस्टम चल रहा था और पानी की वजह से हमारा ये काम रुका हुआ था। इत्तेफाक से एक नो रिटर्न वाल्व स्वीट वाटर का ख़राब हो चुका था, इसीलिए हमको निकालना पड़ा। जब निकाले तो दोनों एक ही साथ में चेंज कर दिए, चेंज हो गया है तकरीबन। अब पानी इसमें डालेंगे, भर देंगे पूरे खज्जान में और चालू करेंगे, चेक करेंगे सही है या नहीं सही। उम्मीद करता हूँ कि सही हो जाएगा, क्योंकि कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि एक बार लगाएं और दूसरी बार काम करना पड़े। तो इंशाल्लाह सक्सेस होगा ये हम लोगों का काम। इसको बदलने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हुआ था, बहुत ही दिक्कतें आई थी। और ये इसका वेट भाई तकरीबन 40 kg है, 40 kg इसका वेट है और इसका जो प्राइस है तकरीबन 2 या 2500 रियाल होगा। और इसमें कुछ ख़राब होता नहीं है, इसके अंदर का जो ये रबड़ है, ये इनसाइड में देख सकते हैं आप लोग, ये जो रबड़ है ये रबड़ ही ख़राब होता है बस, या तो ये फंस जाता है, ऊपर नीचे आता नहीं है, जिसकी वजह से पानी हमारा पूरा पूरा
पानी डालेंगे पानी नीचे चला जाएगा, इसकी वजह से इतना प्रॉब्लम झेलना पड़ा, पूरा पानी रिलीज़ करना पड़ा और उसके बाद में इसको और ये वाले पंप का दोनों का भाई नो रिटर्न वाल्व चेंज करना पड़ा। तो काम तो इसे होता ही रहता है, उसमें कोई इतना दिक्कत नहीं है। ये नो रिटर्न वाल्व ख़राब होने की वजह से हमारा भाई ये तो एक ये लैंडस्केप का ये मोटर बंद है, ये वाले चालू हैं, इसका टंकी दूसरा है और ये भी बंद है, दो मोटर ये और दो मोटर ये, चार और एक पाँच, एक छः, एक सात, यानी सात पंप हमारे बंद हैं। तो आज ही हम लोग इसमें पानी डलवाएंगे वाटर टैंक में और आज ही इसका पूरा सिस्टम चालू कर देंगे ताकि चेक कर लें कोई प्रॉब्लम तो ना आए, नहीं क्योंकि कहीं फायर वगैरह हो गया तो फिर समझ जाइए गड़बड़ ही गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर। भाई हमारे राजा नासिर अली इंस्टॉल करके आ चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग ये पानी में भाई गिरे हुए थे पूरा, 6 मीटर की हमारा खज्जान है, उतने नीचे गए थे और यहाँ से हम लोग पानी डाल रहे हैं, यहाँ को फुल यहीं से हम लोग चेक कर लेंगे कि पानी अगर रुक रहा है तो सही है, पानी अगर नहीं रुकेगा तो फिर दोबारा उसको खोलना पड़ेगा। तो हमारे राजा नासिर बहुत ही मेहनत करके आ चुके हैं, पूरा कपड़ा इनका भीग चुका है कि भाई नॉन रिटर्न वाल्व सही है, पानी रुक रहा है, सही है भाई ये। तो काम जो हुआ भाई वो सक्सेसफुल हुआ, अब इसमें वाटर टैंक में पानी भरवा देंगे, उसके बाद में इसको चालू कर देंगे यहाँ के जितने भी हैं डीजल पंप इलेक्ट्रिक पंप जो कि, और हमारा ये सक्सेस हो जाएगा, पूरा कंप्लीट रनिंग में आ जाएगा। खराब था हमारा भाई एक ही खराब था, लेकिन हम इसको दूसरे भी चेक कर लेंगे इसी समय, क्योंकि पानी ऑलरेडी रिलीज हो चुका है वाटर टैंक से, तो इसको भी खोल के इसी समय चेक कर लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, नहीं एक सही करें दूसरा खराब हो जाए, एहतियात के लिए इसको भी खोल के चेक कर सकते हैं। तो दो के दोनों भाई सही हैं, पानी रुक रहे हैं, ओके इलेक्ट्रिक इंजन जो कि डीजल सब में सही है भाई, यानी काम जो हुआ भाई सक्सेसफुल हुआ, इसका श्रेय पूरा जाता है राजा नासिर अली को क्योंकि इन्होंने भाई बहुत ही मेहनत की है वाटर टंकी में उतर के गर्मियों के महीने में। तो दोस्तों हमारा काम पूरा कंप्लीट हो चुका, फाइनल हो चुका है और हमने जो मेहनत तो बहुत हुई भाई, भाई वो टैंक क्या है, टैंक में ऑक्सीजन ना उतना नीचे पानी को भर, सही सही पानी भरने के लिए भाई हम लोगों ने हमारे पास एक आरओ सिस्टम है उसको ओपन कर दिए हैं, तो पानी आज से लेके कल तक पूरा पूरा भर जाएगा और प्लस बल्दिया वाल जो आता है यहाँ का गवर्नमेंट का पानी उसको भी ओपन कर चुके हैं, और अब हम जाएंगे मॉल के अंदर देखते हैं वहाँ पर क्या कितना कंप्लेन है कितना नहीं है, कपड़ा भीगा हुआ है और बार बार से जा रहे हैं, ठीक है ठीक है, और जाएंगे बाहर ही बाहर कपड़ा भीग गया क्योंकि पूरे कपड़े इनके भीग चुके हैं, बाहर ही बाहर जाएंगे हम लोग ऑफिस की तरफ, सामान रखेंगे कुछ अपना, अजान हो चुकी है नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद में तो 5:30 बजे से चालू है T20 वर्ल्ड कप, उसी को देखेंगे बैठ के, काम आज का बहुत हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती होगी, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और इसी तरीके से हमारी वीडियो को पूरी पूरी आप लोग वॉच करते रहिए। तो तब तक के लिए दीजिए आप लोग हमें इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में, गुड बाय।